देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जनता को हम पढ़ा क्या रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं। आपके बीच में से एक जनता ने कहा कि लाडली योजना के तहत रेवड़ी बांट रहे हैं। मुझे लगता है उनको शायद जानकारी नहीं थी लाडली योजना है क्या। जो मेरी बहन खड़ी है वो प्रतिशत बताता है कि एक पुरुष के मुताबिक एक महिला को सही पोषण नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो उनके समान श्रम कर सके, इक्विवेलेंट पोजिशन पे आके दुनिया से लड़ सके। उसको सशक्त बनाने के लिए 13% से 54% की इक्विटी लाने के लिए लाडली योजना है। मजबूत करने की योजना है, मजबूर करने की योजना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, हमने हमेशा यह देखा है कि हर चीज पे एक न्यूट्रल परसेप्शन। सारी चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा, राजनीति से परे हटकर, आप नौकरी करते हैं, यहां लोग सब नौकरी करते हैं, वीकेंड आता है हम छुट्टी देखते हैं कि सैटरडे संडे मिल जाए, या महीना में मेरी छुट्टी इतनी हम गिन के देखते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि सरकार हमें क्या दे रही है। लेकिन मैं आज सारे जनप्रतिनिधियों की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती आ रही है, हमें सोच समझ के वोट भी करना है। जो नेता होते हैं उनके घर भी कभी जाइए, कभी जाइए, 4 बजे 3 बजे सारे नेता एक जैसे नहीं होते हैं सर। 4 बजे से जो फोन शुरू होता है, रात के 12 बजे तक सोने का ठिकाना नहीं। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, उसके घर के माँ बाप मरते रहते हैं। मैंने देखा है अपने घर में कि बहन हॉस्पिटल में है, जनता की सेवा में बाप खड़ा है। तो हर कोई ऐसा नहीं होता। अगर जो चांदी की चम्मच से आके वो दर्द को ना समझाओ, वो नहीं समझ सकता। इस देश में प्रधान सेवक आया है जो गरीबी देखा है। ये बात सच है कि सारे नेता एक जैसे नहीं होते, ये भी बात सच है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, नेता बहुत अच्छे होते हैं, नेता हंसते नहीं है। ये बात सच है कि नेता अच्छे होते हैं और चुनाव जीत के लाते हैं। अगर आपको अपने लोकतंत्र में विश्वास नहीं है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। जी कांग्रेस, देखिए अभी इन्होंने कितनी दोगली राजनीति की है कि इनकी लाडली योजना तो योजना हो गई, लेकिन जब विपक्ष को इन योजना देता है तो वो कहते हैं रेवड़ी हो गई है। और ये देश के प्रधानमंत्री को भी समझने चाहिए, इतने मुख्य पद पर बैठे हुए हैं तो अपनी नीतियों को तो वो बड़े वाहवाही करके बताते हैं। अभी मैं बताती हूँ, देखिए इन्होंने एक योजना चलाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हरियाणा से मैं भी आती हूँ, हम लोगों ने सबने इनिशिएट की, बहुत अच्छा इनिशिएट था, लेकिन उसका 80% जो है वो जो बजट है वो कहाँ जा रहा है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर। चारों तरफ सिर्फ मोदी जी की फोटो के साथ बेटी बचाओ बेटी, कितनी बेटियां बच रही हैं इस देश में। सवाल ये पूछा जाता है कि जब देश के प्रधानमंत्री अपना चुनाव प्रचार में सारा पैसा खर्च कर देते हैं और तमाम वो पैसा टैक्स पेयर का पैसा है, तब राजनीति नहीं होती है, क्योंकि अपना पैसा जो है। आज मेरी बहन 99% आज मेरे देश की बेटियों को लोग पैदा कर रहे हैं, पहले पेट में मार दिया करते थे, आपको मालूम नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ मुख्य रेवड़ी की कल्चर पर मैं बताना चाहता हूँ, हम अपनी बहन बेटी की शादी करने के लिए ऐसा लड़का देखते हैं कि वो शराब तो नहीं पीता, गांजा तो नहीं पीता, नशेड़ी तो नहीं है, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से हमें ऐसा लड़का मिलता है। जब प्रदेश की बात आती है, देश की बात आती है, तो 2 रुपए किलो चावल और 200 यूनिट पर अपना प्रदेश और देश दे देते हैं, जो उन्हीं बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। जैसे जैसे कि फ्री के एक पे एक फ्री करके, जैसे ऐसे ऐसे फ्री करके कि देश के युवाओं के अंदर एक ऊर्जा डालिए, ना कि उन्हें कमजोर करिए। आज का भारत यह चाहता है कि मेरा बच्चा मजबूत बने, ना कि फ्री की रोड़ी से कमजोर। नहीं, आज का बच्चा क्या चाहता है मैं बताती हूँ आपको। कैलाश विजयवर्गीय वो खुलेआम बोल रहे हैं कि 51,000 दूंगा नोट के बदले वोट, तो ये कैसी राजनीति है इनके भाजपा के। और अगर यही नेता अगर विपक्ष के नेता होते तो चुनाव आयोग पर तुरंत संज्ञान लेता। ऐसा नहीं बोला, करेक्ट करके बोलना चाहिए, आधा अधूरा सच ठीक नहीं है। वो मैंने सुना था, वो अपने सुनिए रुकिए, अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे हैं जो इंसेंटिव के तौर पर, जो तो क्या क्या कर सकते हैं, वो गलत तरीका। अब मैं बात आता हूँ, एक बहन ने जो बात उठाई थी, बहन जो है मैं भी चाहता हूं कि मुझे जो है ना बिना काम किए बहुत चीजें मिले, दूसरों की तरह मिले। तो बहन यहां का उदाहरण नहीं, जापान का उदाहरण देखो। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, जापान की आबादी 12.5 करोड़ है। जापान एक ऐसा देश है जिस पर दो जो है एटॉमिक जो है अटैक हुए, उसके बाद उन्होंने क्या कसम खाई कि देश में बनी सारी चीजों को हम सम्मान देंगे। और आज स्थिति यह है कि GDP में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है उपभोग, मतलब नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन, तो जापान जो है चाइना और इंडिया की तुलना में बहुत छोटा देश है और GDP के मामले में तीसरा देश है। तो सारे भारतीयों को यह सोचने की आवश्यकता है कि जो दल भी फ्री की बात करे, जो दल जाति की बात करे, जो दल किसी तरह की राजनीति की बात करे, आपको यह करेगा नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव क्या आरक्षण मतलब जो है लाभ नहीं लेंगे क्या? क्या मायावती आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे क्या? देखिए
कितना ही विडंबना है कि जो गरीब को मिले वो तो मुफ्त की रेवड़ी और जो बड़े वाले मारने माल वो रेवड़ी नहीं है। 11 लाख करोड़ इसी सरकार ने पूंजीपतियों के सुनिए 11 लाख करोड़ इसी सरकार ने पूंजीपतियों के माफ कर दिए वो रेवड़ी नहीं है। लेकिन अगर गरीब को 500 रुपए मिल गए सारे सुनिए, लेकिन अगर गरीब को मिल जाए तो फिर वो नहीं। मैंने अभी कहा कि राजा कैसा होना चाहिए जो टैक्स जी, इसके बाद सर बार बार बोला जाता है कि व्यापारियों को बहुत मदद दी गई, वो व्यापारी मैं भी हूँ। मेरे घर में आर्सेनिक पानी में आर्सेनिक था, नरेंद्र मोदी की सरकार आई भागलपुर नाथनगर में, हमारे यहाँ पंचायत में घर घर हर घर जल योजना से पानी मिल रहा है शुद्ध पानी का। तो जिस व्यापारी की बात कर रहे थे एक व्यापारी मेरा आपके सामने करा जो जिसको मोदी जी ने फायदा पहुंचाया। सर विषय बहुत गंभीर है इसलिए मैं कहता हूँ आज मैं थोड़ा सा विपरीत बात करता हूँ। जनता कभी इनको पहचानती है, यूपी में भी गए थे ये मुफ्त बिजली मुफ्त पानी करने, आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी जब्त हो गई उत्तर प्रदेश चुनाव में, यहाँ तक कि दिल्ली मॉडल से, सर सुन लीजिए, दिल्ली मॉडल को सबसे ज्यादा नोएडा और गाजियाबाद वाले देखते हैं। 2 लाख के मार्जिन से, सर रुके, 2 लाख मार्जिन से बीजेपी जीत गई, इनका वहाँ पे फ्री नहीं चला, जनता समझदार। रुक जाओ यार प्रतीक भाई, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो भी कर रहे हैं, अब मुझे कंप्लीट कर लेने दो, मैं रेवड़ी पे बात करता हूँ। ये विडंबना है देव का कि भारतीय जनता पार्टी वाले देव की जनता को बरगलाते हैं, उनको बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं। ये रेवड़ी नहीं है, हमारे पैसा हमारे टैक्स का पैसा है। एक सरकार है आपके जनता के टैक्स का पैसा लेती है और जनता को सुविधाओं के रूप में रिटर्न करती है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा योजना हो। और हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी सरकार आम आदमी पार्टी सरकार है, इतनी सुविधाएं देने के बावजूद दिल्ली सरकार आज मुनाफे में, कोई एक सरकार कोई एक सरकार बता दीजिए जो मुनाफे में हो। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के रेवड़ा मॉडल है, अपने दोस्तों को कई लाख करोड़ रुपए माफ करते हैं। प्रतीक जी बड़ा अच्छा मुझे भी लगता है कि जब इस तरह की बात की जाती है, और प्रबंधन कैसा है कि पंजाब में ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं, आप ईमानदार है ना, आप ईमानदार है, बिल्कुल चुप रहिए। हाँ तो पंजाब में जो है ये रिपोर्ट ये है कि जो पंजाब की स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके ऊपर 19,000 करोड़ का बकाया है। मतलब फ्री बिजली दे रहे हैं और पैसे देने के लिए नहीं है, तो क्या आप इस तरह की व्यवस्था चाहो? आया 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 बैठ 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 सर, मेरा कहना ये है कि अभी बिहार में, कहाँ से आना हुआ? बिहार से हूँ, नालंदा जिले से। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ सर नौकरी करते हैं प्राइवेट। कितने साल हो गए? 6-7 साल हो गए सर। ठीक है बोलिए। तो मेरा कहना ये है सर कि वहाँ जाति गिन रहे हैं। अरे जब तुम्हें गिनना है तो ये गिनो ना कि बिहार से कितने बेरोजगार दिल्ली में बैठे हुए हैं, अदर स्टेट गुजरात में है, कहाँ है, अगर आपको गिनना है। और ये सब जितने चोर पार्टी है सब उसका समर्थन करिए, अब वो नहीं कर रही, अब कर रही कि ओबीसी को दो, ओबीसी को गिनो, ओबीसी को आरक्षण दो, जिसकी जितनी जितनी जिसकी संख्या भारी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी है बिहार में, तो बेरोजगारों को रोजगार दो ना, सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी। कहाँ से आना हुआ? मैं नागपुर से आया हूँ जी। हमारे नागपुर के लोग बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे जी। सर हमारे नागपुर में एक लीडर ऐसे नितिन गडकरी, उन्होंने बोला है हम इलेक्शन लड़ेंगे किसी को चाय भी नहीं पिलाएंगे, जिसको वोट देना है दे, नहीं देना नहीं, हम बगैर एक रुपया खर्चा किए पब्लिक को जिसको वोट देगा। नितिन गडकरी जी ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि मैंने काम किया इसलिए वोट मिलेगा मुझे, वो किसी को लोभ लुभावन। नागपुर से आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं आ रहा हूँ, मैं समाजवादी कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए अमित शाह जब गए थे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, दो दो सिलेंडर दिवाली और होली पे त्योहार पर साल में देंगे मुफ्त, कहाँ दिया भैया? वो भी नहीं, वो कभी भी था के नहीं। और सुनिए अरे कहाँ नहीं मिलता, मिल रहा है अभी मध्य प्रदेश में कहने कहते लाडली बहन योजना में, कहते ये तो भैया कूदते रहोगे ऐसे। दो सिलेंडर नहीं मिला है, मैं बलिया से हूँ, दो दो सिलेंडर नहीं मिला है, नहीं मिला है जी। झूठ बोल रहा है। सिंह का बैकग्राउंड देखना आप, मैं देखूंगा जी। किसी को नहीं मिला, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो सारा खर्चा इश्तेहार पे कर रही है, रेवड़ियां बांट रही है। आपने बोला पीएसपीसीएल का, उनके पास बिजली का कोयला खरीदने के पैसे नहीं है, इश्तेहार के ऊपर पैसा खर्चा जा रहा है। कहाँ से आना हुआ आपका? पंजाब से। कहाँ से? पंजाब में। पंजाब में पटियाला जिला से। पटियाला जिले से जी। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ हम आपके दर्शन करने आए हैं। Ah!